जयपुर के पास एक छोटी सी रियासत थी। विवेकानंद को वहां के राजा ने बुलाया। विवेकानंद गए, राजा बड़ा प्रभावित हुआ विवेकानंद के ओज से, तेज से, उनके ज्ञान से। अब जिस दिन विवेकानंद को जाना था, द किंग प्लान्ड फेयरवेल, राजा ने एक उत्सव रखा। विवेकानंद के विदाई समारोह के रूप में राजा ने एक उत्सव रखा। अब भाई वो राजा है, राजा है तो राजा उत्सव कैसे मना सकता है? अब देखो, उत्सव मनाने का भी सबका अलग अलग तरीका है ना। कोई साधु उत्सव मनाएगा तो उत्सव अलग होगा, राजा उत्सव मनाएगा तो उत्सव अलग होगा। और मैं फिर कह रहा हूं, मैं बार बार कहता रहूंगा, मैं बार बार आपको स्मरण दिलाता रहूंगा कि टेक योर सेल्फ टू अ पॉइंट वेर देर आर नो जजमेंट्स। जब तक आपके जीवन में ये द्वंद है, तब तक शांति नहीं है। द्वंद के साथ शांति नहीं है। और भगवान यही बात कह रहे हैं, जो द्वंद मुक्त हो गया है, निर्द्वंदो ही महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते, जो निर्द्वंद हो गया है वही शांति को उपलब्ध हुआ है, जो न राग है न द्वेष है। तो भाई राजा ने अपने तरीके से उत्सव मनाया। अब क्या हुआ, राजा ने एक बड़ी प्रसिद्ध नर्तकी बुलाई विवेकानंद के सामने नृत्य के लिए। अब जैसे ही विवेकानंद उत्सव में जाने को तैयार हुए, किसी ने विवेकानंद के कान में आकर कहा कि उत्सव में तो एक नर्तकी नृत्य प्रस्तुत करने वाली है। अब विवेकानंद को लगा कि भाई ये तो मेरे लिए ठीक नहीं है। अच्छा, मुझे लगता है कि किसी दृष्टिकोण से विवेकानंद का निर्णय ठीक ही था, क्योंकि हमारे यहां ये बात भी कही जाती है कि यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम, यद्यपि शुद्धम, चाहे वो काम अच्छा हो, ठीक हो, उचित हो, यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम, लेकिन उसको करने से अगर आपके पीछे चलने वाले व्यक्ति को कोई हानि होती हो तो ना करणीयम, ना करणीयम, उसको नहीं करना चाहिए। तो विवेकानंद ने भी जो सोचा, वो मुझे लगता है कि एक दृष्टिकोण से वो ठीक ही रहा होगा। विवेकानंद ने कहा, मैं एक सन्यासी हूं और मैं एक नर्तकी का नृत्य देखकर क्या करूंगा। लेकिन वो नर्तकी थी, वो भी कोई संस्कारी महिला थी। जब उसने ये सुना कि विवेकानंद तो आज नहीं आ रहे, उसको बहुत दुख हुआ। कहीं ना कहीं उसको अपमानित अनुभव हुआ, उसको पीड़ा हुई। तो उसने नृत्य तो प्रस्तुत नहीं किया, लेकिन उसका कंठ बड़ा मधुर था, तो उसने सूरदास जी का एक पद गाया, प्रभु जी मोरे अवगुण चितना धरो। बड़े करुण स्वर से उसने गाया कि एक लोहा पूजा में राखत, एक घर बधिक परो, पर ये दुविधा पारस नहीं जानत, कंचन करत खरो। और एक प्रकार से उसने ताना मारा विवेकानंद को कि तुमसे अच्छा तो पारस पत्थर है। एक एक लोहे का टुकड़ा कसाई के यहां से आता है, एक लोहे का टुकड़ा मंदिर से आता है, पर पारस उन दोनों का परिचय नहीं पूछता। पारस नहीं पूछता कि तुम कहां से आए हो। पारस तो दोनों को स्वर्ण कर देता है, पारस दोनों को सोने का कर देता है। उसने कहा कि तुमसे तो एक जड़ वस्तु अच्छी है, तुम कैसे सन्यासी हो, तुम कैसे संत हो, तुम कैसे साधु हो। साधु तो भाई गंगा के जैसा है ना, साधु का जीवन तो गंगा के जैसा है। गंगा किसी को अस्वीकार नहीं करती, गंगा में श्रेष्ठ तपस्वी भी स्नान करते हैं और गंगा में पतित से पतित व्यक्ति भी जाकर डुबकी लगाता है, पर गंगा तो किसी के साथ भेदभाव नहीं करती। कहते हैं कि विवेकानंद कांप गए जब उसकी कांपती हुई आवाज में, उसके कांपते हुए उस करुण स्वर में विवेकानंद ने यह बात सुनी। विवेकानंद कांप गए, दौड़ कर गया और अपने अपने उस आसन में जाकर बैठ गए, आशीर्वाद दिया उस नर्तकी को। और विवेकानंद अपनी कलम से ये बात लिखते हैं कि वहां न जाने का कारण क्या था, क्योंकि साधु बहुत ईमानदार होता है। मुझे लगता है अगर साधु हो, साधक हो, कोई भी हो, अगर एक व्यक्ति के व्यक्तित्व में सबसे उज्जवल कोई गुण है तो वो यही है, ईमानदारी। आप भी कहते ही हैं, हम भी सुनते ही हैं, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी इनसाइड आउट। क्षेत्र कोई भी हो, व्यवहार हो, अध्यात्म हो, तो विवेकानंद ने बड़ी बड़ी ईमानदारी से,
बड़ी ईमानदारी से कहा कि बाद में मैंने देखा कि मेरे ना जाने का कारण क्या था। मेरे ना जाने का कारण केवल यही था कि कहीं मेरे मन में उसको देखकर कोई आकर्षण उत्पन्न ना हो जाए। और मैं फिर दोहराता हूं कि दो बंधनों से हम बंधे हैं, आकर्षण का बंधन और विकर्षण का बंधन। या तो कोई अच्छा लगता है या कोई बुरा लगता है। एक समय था जब दिन रात धन कमाने में लगे थे, कान में कुछ पड़ा, जाने क्या हुआ, अब क्या कह रहे हैं, नहीं नहीं अब धन को छुएंगे भी नहीं। पर दोनों ही धन से बंधे हैं, ध्यान रखना। जो कह रहा है ना कि मैं धन नहीं छूंगा, वो भी धन से ही बंधा है। कहीं ना कहीं उसके भीतर में एक भय है धन के आकर्षण का। एक और बात, आकर्षण और विकर्षण, अट्रैक्शन एंड रिपल्शन, दे बोथ आर सेम फोर्स, वन फोर्स, दो नहीं है। आकर्षण और विकर्षण दो नहीं है, एक ही है। विकर्षण के, रिपल्शन के, विकर्षण के मूल में भी आकर्षण का भय ही है।